विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड वीडियोस जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छा वीडियो है और काफ़ी ऐसे लोग हैं हमारे जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनका ईपीएफ जो है कटता है, ये जो है कंपनीज पर्टिकुलर उसको एक अलग रेशो में काटती हैं, किसी का परसेंट वाइज कटता है, किसी का सैलरी वाइज कटता है, उसके ऊपर उसे कैसे मैनेज किया जाता है, इसका ट्यूटोरियल तो मैं अलग से बनाऊंगा ही। आज मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ कि कैसे आप जो है पीएफ का एडवांस या जो है आपका पीएफ का पैसा और आप पेंशन का पैसा किस तरीके से निकाल सकते हैं घर बैठे ही, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जाएंगे दोस्तों हम हमारे जो ईपीएफओ की वेबसाइट है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रही है, यहाँ https://www.epfindia.gov.in, यहाँ हम क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद जो है दोस्तों आपको जाना है यहाँ सर्विसेज में। सर्विसेज में आने के बाद आपको जाना है फॉर एम्प्लॉयज में। ये फॉर एम्प्लॉयर जो आपको एम्प्लॉय दे रहा है उसके लिए होता है, हमें जाना है फॉर एम्प्लॉयज में। हम फॉर एम्प्लॉयज में जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ मेंबर पासबुक का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी पासबुक को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है मेंबर यूएएन ऑनलाइन सर्विसेज, तो ये ऑनलाइन सर्विसेज के माध्यम से हम यहाँ काम करेंगे, तो हमें इस लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ राइट हैंड साइड पर दिख रहा होगा, ये हमारा यूएएन नंबर है, पासवर्ड है, ये हमें यहाँ पर डालना है। यूएएन नंबर हमें पर्टिकुलर उस संस्था से मिलता है जिस संस्थान में हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालने के बाद हम साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का आपको पैनल दिखाई देगा। ये पैनल आप देख सकते हैं, यहाँ हमारी इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन में आप मोर इन्फॉर्मेशन में और भी देख सकते हैं। ये हमारे पैनल्स हैं। व्यूज में जाकर आप प्रोफाइल देख सकते हैं, सर्विस सेक्टर, यूएएन कार्ड, पासबुक आप मैनेज कर सकते हैं, बेसिक डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, केवाईसी, ई नॉमिनेशन, अगर आपके केवाईसी वगैरह नहीं है तो आप यहां से कर सकते हैं। ये दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मार्क एग्जिट का, ये मुझे भी काफ़ी इसकी समस्या आई थी लेकिन मैंने इसका हल निकाल लिया है। मार्क एग्जिट होता है दोस्तों, आपने जो संस्थान छोड़ी है या एक संस्थान से दूसरे संस्थान में आप ट्रांसफ़र हुए हैं तो आपको यहाँ पर एग्जिट डेट डालनी होती है कि हमने एक जो हमारी पास्ट में हम जहाँ काम करते थे उसको हमने कब छोड़ा। तो दोस्तों मार्क एग्जिट में जाने के बाद जो है आपको करना क्या होता है, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है। ऑप्शन आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखा दिया जाता है कि आपका लास्ट जो है आपका डेट ऑफ कह सकते हैं, यहाँ पर जो एडिशन होता है या जो आपका ईपीएफ जिस परसेंटेज में कटता है वो किस मंथ में हुआ है। तो मेरा जो है दोस्तों यहाँ सितंबर था। इसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पर सितंबर में मंथ में सबसे आखिरी तारीख ले ली, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आपकी डेट ऑफ एग्जिट जो है दोस्तों बिल्कुल एक्यूरेट हो, या फिर आपको पता हो कि हमारी डेट ऑफ एग्जिट क्या है और आप नए जिस कंपनी में जहां भी जाने वाले हैं वहां पर किस दिन आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है उसी दिन से आपकी सैलरी शुरू होती है। तो दोस्तों आप डेट ऑफ एग्जिट जहां से डाल सकते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही शुरू होगा आपके क्लेम करने का समय। आप ऑनलाइन सर्विसेज में आएंगे और ये जो आपको क्लेम का ऑप्शन दिख रहा है आप क्लेम बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये जानकारी है, एम्प्लॉय का नेम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल है। अब यहाँ पर जो है आपको डालना है हमारा हम कह सकते हैं बैंक अकाउंट नंबर, और आपको बैंक अकाउंट नंबर दोस्तों वही डालना है जिस बैंक अकाउंट को आपने जब आपका यूएएन नंबर बन रहा था, जब आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रेडी हो रहा था तब आपने यहाँ पर डाला होगा। तो हम यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर डालते हैं। ये दोस्तों हमने यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर डाल दिया है, अब हमें यहाँ पर इसे वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद जो है हम यहाँ से यस करने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर टिक लगा आ गया है, टिक लगा आ गया है, इट मींस ये नंबर जो है अकाउंट नंबर जो है बिल्कुल सही है। और अब हम जाएंगे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर, यहाँ हमें क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। ये हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गई है, ये हमारी डेट ऑफ लीविंग हो गई है, ये हमने कारण दिया है वहाँ शॉर्ट सर्विसेज था या एनी अदर रीजन, और अब हम क्लिक करने वाले हैं जो भी हमें क्लेम करना है। यहाँ तीन ऑप्शन आते हैं दोस्तों, एक्चुअली में यहाँ एक ही ऑप्शन आता है जो सबसे नीचे आपको दिख रहा है, पीएफ एडवांस फॉर्म 31 का। ये तब तक आता है जब तक आपकी जॉब चल रही है या जब तक आपने ये डेट ऑफ लीविंग यहाँ पर जो है मेंशन नहीं की हो। और जैसे ही आप जब डेट ऑफ लीविंग मेंशन कर देते हैं, आपने जिस दिन छोड़ा है, तब से ये दोनों ऑप्शन भी आने लगते हैं कि अब हमें अकेले पीएफ का विड्रॉवल करना है तो हमें फॉर्म 19 भरना होगा, और अकेला हमें पेंशन का विड्रॉवल करना है तो हमें फॉर्म 10C भरना होगा। तो मैं आपको फॉर्म 19 क्लिक करके दिखाता हूँ। और देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा आ गया है, यू प्रीवियस क्लेम इज ऑलरेडी पेंडिंग, प्लीज ट्रैक क्लेम स्टेटस, क्लिक मी। यहाँ पर जो है हम इसको भर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आपको जो है यहाँ से आपने ये भर दिया है और अब आप यहाँ से अपने स्टेटस को देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों बहुत होता कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ सिंपल सा एक काम होता है, हमें करना क्या होता है, यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जो है एक पासबुक आपकी अपलोड करनी होती है, आपकी जो बैंक की पासबुक है, और आपके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस लिखा होता है वो आपको मेंशन करना होता है, और आपको आधार कार्ड में आपने जो मोबाइल नंबर दे रखा है उस मोबाइल नंबर पर जो है एक OTP आता है, OTP वेरिफिकेशन होता है, और आपका ये जो है इस तरीके से यहाँ PF क्लेम हो जाता है। अब क्लेम होने के बाद आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करके आपका स्टेटस देख सकते हैं, या आप ऑनलाइन सर्विसेज में आने के बाद ट्रैक क्लेम स्टेटस पर जा सकते हैं। जैसे ही आप ट्रैक क्लेम स्टेटस पर जाएंगे दोस्तों, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो दोनों ही मैंने कल के समय किए थे, दोनों फॉर्म्स मैंने यहाँ भरे हैं, इनका करंट स्टेटस है अंडर प्रोसेस, इस तरीके से ये यहाँ पर शो होता है, और यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ प्रोसेस हो क्या रही है। तो यहाँ 9:24 पर रात में जो है ये सेंड कर दिया है फील्ड ऑफिस, आपके आसपास जो फील्ड ऑफिस होता है EPFO का, वहाँ पर ये जाता है और आपका क्रॉस चेक होता है, कैलकुलेशंस होती हैं कि क्या ये जो भी आपने किया है ये सभी सही है, और इसके बाद आपका क्लेम जल्द से जल्द प्रोसेस हो जाता है। आप यहाँ PDF देख सकते हैं, जो भी आपने भरा है क्लेम वो यहाँ से आपको दिख जाएगा। व्यू क्लेम पे जाने के बाद ये आपको PDF दिख गई है, और इस PDF में वो सारी जानकारी आ गई है जो हम स्टेटस को और जो हम हमारे PF को जब क्लेम करते हैं उस समय हमें जब भरनी होती है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही आसान सा तरीका है, आप यहाँ से जाकर जो है इजीली देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की ये वेबसाइट को जो है हर एक इंसान चला सकता है जो ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता है, वो भी एक दो वीडियो देखने के बाद आसानी से अपने सभी कामों को मैनेज कर सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा आज के समय में ये ऑर्गेनाइजेशंस में जब हम जाते हैं मैन्युअली फिजिकली, तो वहाँ पर काफ़ी सारी परेशानी होती हैं, कोई मिलता नहीं है, बहुत से काम हमारे रुक जाते हैं, लेकिन इन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया है अपनी वेबसाइट्स को, ई कंटेंट को इतना अच्छा कर दिया है कि अब हम इजीली इसे यहीं से ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं और हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय भी यहाँ पर बचता है, और ये काफ़ी बेहतर चीज़ होने वाली है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।